नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही हिंसा के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस के ग्राउंड जीरो राज्यपाल की भूमिका से तृणमूल कांग्रेस बेहद नाराज है। पंचायत चुनाव में राज्यपाल की हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर टीएमसी ने लगाया पक्षपात का आरोप। इस विषय को लेकर टीएमसी ने राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र एवं राज्यपाल के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एवं लकड़ी तस्कर दल के बीच मुठभेड़ में एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत। ये घटना उस वक्त घटी जब लकड़ी तस्कर ट्रक पर लकड़ी लादकर भाग रहे थे। तभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मियों ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु तस्करों ने वन कर्मियों पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई से एक तस्कर की गोली लगने से मौत हो गई। ये घटना है पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले के बानारहाट इलाके की। पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने दिया एक नया निर्देश। सभी बूथों में रहेंगे सशस्त्र जवान। इनमें आधे सेना के जवान होंगे और आधी राज्य पुलिस होगी। यानी पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान एवं राज्य पुलिस की संयुक्त निगरानी में होगी। आगामी 8 जुलाई को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न करने के लिए पश्चिम बंगाल के डीजी मनोज मालवीय ने बिहार एवं झारखंड राज्य के डीजी के साथ बैठक की। मूलतः बिहार और झारखंड राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और चुनाव के दिन कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिए दोनों राज्यों के साथ बंगाल पुलिस अपना संपर्क बनाए रखेगी। पंचायत चुनाव को लेकर हुई हिंसा में अब तक 15 लोगों की मृत्यु हो गई है, पर राज्य के डीजी का दावा है कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के गंगाजल घाटी एवं विष्णुपुर इलाके में सोमवार की रात वज्रपात की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वज्रपात से और 3 महिलाएं भी जख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि लकड़ी चुनने के दौरान बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे खड़ी थी, तभी ये घटना घटी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर इस्तेमाल होने वाले वाहनों और पेट्रोल पंपों के मालिकों ने प्रशासन को किया सतर्क। कहा, इस बार पंचायत चुनाव में इस्तेमाल होने वाले वाहनों को तब तक नहीं देंगे जब तक पेट्रोल और भाड़ा एडवांस में नहीं मिल जाता, क्योंकि पिछले चुनाव का लाखों रुपया अब तक बकाया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।